फेडरल ऑफ़ ऑफ़ पावर जिसको हम लोग वर्टिकल वर्टिकल फॉर्म भी बोलते हैं। अगर एक है, लाइन है, सब अलग-अलग तो के साथ मिलजुल के साथ में अपना डोमिनेशन स्टेब्लिश करना चाहते थे फ्रेंच गलत। गलत कोई नहीं जज्बाती नहीं होना है बच्चों ज्यादा नेक्स्ट देखो हेलो बच्चे लोग वेलकम टू संकल्प भारत दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्जलांज और आज की क्लास में हम दोबारा से पावर शेयरिंग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं बल्कि बच्चों इस चैप्टर के सारे के सारे जो एनसीआर क्वेश्चंस है उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब देखिए इससे आपका फायदा क्या होगा क्वेश्चंस एक तो जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चंस के के एग्जाम्स में आने लिए बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए टीचर्स भी कभी कभी जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछ लेते हैं साथ ही में देखो हमें ना यह भी पता चल जाता है कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं प्लस हमें कंसेप्ट भी साथ ही में रिवाइज हो जाएंगे और हमें यह भी पता चलेगा कि एक आंसर को कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करेंगे कौन से नहीं करेंगे सो so, बहुत सारी अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट से चालू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सबसे पहले यहां पर आ गया जाओ और बच्चे लोग यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ

पावर को बांटा तो गया है बट तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह सब एक ही लेवल पे है कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है सबको बराबर पावर दी गई है तो बच्चों हॉरिजॉन्टल तरीके से पावर को बांटा जाता है हमारे गवर्नमेंट के तीन डिफरेंट ऑर्गन्स में यानी कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सबका काम ऑल्दो अलग होता है बट सबको सेम पावर से नवाजा जाता है ताकि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर को एक्स्ट्रा या फिर जरूरत से ज्यादा यूज ना करें और अगर कोई भी ऑर्गन ऐसा करना चाहेगा तो बाकी दो ऑर्गन उसको रोक लेंगे ठीक है तो उस पर चेक लगा के रखते हैं बाकी दो ऑर्गन बैलेंस बना रहता है तो इस वजह से इस हॉरिज़ॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है ठीक है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्मेंट के बीच में पावर बांटी जाती है अलाउस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्मेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पार्सरेशन ऑफ दर्गनसाइज अनलिमिटेड पार्क ऑर्गन अनलिमिटेड पावर जरूरत से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज ना करें इसी को इन्श्योर करने के लिए इस तरीके से पावर को बांटा जाता है और राइट नेक्स्ट है फेडरल डिविजन ऑफ पावर जिसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं अब यार एक वर्टिकल लाइन है दैट मीन सब अलग अलग लेवल पर है कोई ऊपर है इस लेवल के कोई नीचे है कोई और नीचे है तो इसको हम फेडरल डिविजन या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं हमें लिख देती हूं ठीक है अब वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि पावर को डिवाइड करा जाता है एक तो गवर्नमेंट हो जाएगी जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री पूरे देश के लिए जो सरकार है केंद्रीय सरकार फिर तो प्रोविंशियल लेवल यानी कि स्टेट लेवल वाली गवर्नमेंट आ जाएगी ठीक है हायर लोअर लेवल्स के बीच में पावर को बांटा जाता है तीसरे टाइप का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज जब हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बांट रहे हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को बांट देना सो so पावर में ऑल्सो भी शेयर डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स तो अलग अलग धार्मिक समूह जो हैं, अलग अलग जो लोग भाषा भी अलग अलग बोलते हैं जैसे कि बच्चों आप लोगों को याद होगा लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की जब मैं बात करती हूँ बेल्जियम हमारे दिमाग में आना चाहिए बेल्जियम के अंदर जब एक अकोमोडेटिव मॉडल लाया गया था तो सारे ही जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे चाहे वो डच थे फ्रेंच थे या फिर जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज थी सभी के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया था बिल्कुल बराबर तरीके से थ्रू द कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाया गया था हर कम्युनिटी की एक डिफरेंट कम्युनिटी सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी जो कि उनके एजुकेशनल कल्चरल लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करेगी आई होप ये बात आप लोगों को याद है ठीक है तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में जब हम पावर को बांटते हैं तो दैट इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसके अंदर आप एक्जाम्पल के तौर पर इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसके बारे में भी लिख सकते हो और जो लास्ट होता है बच्चों लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज बिटवीन द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स तो जब हम पोलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर बांटते हैं प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट्स के बीच में पावर बांटते हैं तो दैट इज द लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ऐसा अगर कॉम्पिटिशन बना रहता है अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के बीच में तो उससे ये श्योरिटी मिलती है कि पावर कभी भी एक किसी के हाथ में नहीं रहेगी एक जो अपना दबदबा नहीं जमा पाएगा इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज दट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप यार ऐसा हो सकता है कि कभी एक पोलिटिकल पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है बट ऐसा ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा ठीक है तो इट विल ऑलवेज इन्श्योर वेन यू डिवाइड पावर बिटवीन द पोलिटिकल पार्टीज इट विल ऑलवेज इन्श्योर की इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग टाइम पीरियड पावर जो है वो अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होती रहेगी और इससे जो अलग अलग जो विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता में आते रहेंगे और हमेशा ऐसा ही सिस्टम जारी रहेगा ठीक है तो ये तो आपको पता है यार मतलब देर इज नथिंग न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है फटाफट से इसको डिस्कस करेंगे स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बच्चों हम लोगों को पता है दो रीजन दिए गए हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एक रीजन दिया जाता है मॉरल रीजन जहां पर यह बोला जाता है कि डेमोक्रेटिकली अगर हम देखें है ना तो पावर शेयरिंग इज अ गुड मॉरल वैल्यू इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पावर सबके साथ शेयर करी ही जाती है इस वजह से पावर शेयरिंग इज गुड इन अ डेमोक्रेसी मॉरल रीजन दिया जाता है और प्रोडेंशियल रीजन में ये बोला जाता है कि हमें पता है यार कि अगर पावर नहीं शेयर करी जाती ना तो उससे लड़ाई झगड़े होते हैं इंस्टेबिलिटी आती है तो पॉलिटिकल ऑर्डर को बचाने के लिए पावर को शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना आए अब दोनों के ये एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखें प्रोडेंशियल रीजन इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करा जाता है सोशल ग्रुप्स के बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस होगा फिर इंस्टेबिलिटी होगी ठीक है और मॉरल रीजन के अंदर इट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अब यार यहां पर ना अगर मैं बात करूं प्रोडेंशियल रीजन की प्रोडेंशियल रीजन के अंदर आप बोल सकते हो, हो कि पावर को शेयर करा जाता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ठीक है और रिजर्वेशन का सिस्टम तो यहां पर यू कैन राइट एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन राइट पावर शेयर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उसी के साथ साथ आप एक और एग्जाम्पल रिजर्वेशंस का भी लिख सकते हो जहाँ पर हम सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड करते हैं ठीक है तो ये भी आप इंडियन कॉन्टेक्स में लिख सकते हो मॉरल रीजन के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि मॉरल रीजन के अंदर यही बोला जाता है कि पावर शेयरिंग की एक्ट ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को पावर बराबर दी ही जाती है आइडियल ही डेमोक्रेसी का यही बोलता है कि सबको बराबर तोला जाए सबको बराबर देखा जाए पोलिटिकली एवरी शुड बी इक्वल तो वही सब वैल्यूज पर एम्फोसाइज करता है डेमोक्रेसी तो यहां पर आप लिख सकते हो कि सिटीजन को फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं ठीक है थीके? कैन राइट अबाउट दैट फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं बच्चों सभी को बराबर दिए जाते हैं आई होप आप लोगों को बात पता है

नहीं तो आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी ठीक है वहां पर जाके देख लेना सो so, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तीन स्टूडेंट्स ने अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ करे हैं विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एन वाई गिव योर रीजन इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स तो यार देखो जैसे जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अब हर कोई चैप्टर हर किसी ने पढ़ा है सेम ही चैप्टर पढ़ा है बट हर किसी ने जो कंक्लूजन उससे निकाला है जो इंटरप्रेट करा है उस चैप्टर को वो अलग अलग तरीके से करा है अब यहाँ पे एक बच्चा है थॉमन थॉमन नाम है इसका थॉमन ने बोला है कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन थॉमस बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग ना सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज में जरूरी है जहां पे कोई डिविजन है या डिफरेंस है लैंग्वेज के मामले में एथनिक मामले में या फिर रिलीजन के मामले में मैथ ही बोल रही है कि पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन अब मैथ ही बोल रही है कि पावर शेयरिंग सिर्फ बड़ी कंट्रीज के लिए सुटेबल है जहां पे रीजनल डिविजन होते हैं क्षेत्रीय विभाजन होते हैं वहीं पे ओसेफ यूसेफ क्या बोल रहे हैं कि हर सोसाइटी को कुछ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग चाहिए ही चाहिए इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव एनी सोशल डिविजन तो यार थॉमन ने बोला कि वहीं पे जरूरी है जहां कोई डिविजन होना चाहिए मैथे ने बोला कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे सूटेबल है जहां पे रीजनल डिविजन है लेकिन यूसुफ कह रहे हैं कि हर जगह पावर शेयरिंग की जरूरत है चाहे वो समाज में अंतर हो ना हो चाहे एक ही जैसे लोग रहते हो चाहे कंट्री बड़ी हो छोटी हो डिजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है पावर शेयरिंग तो होनी ही चाहिए तो यार हम एट दी एंड किसकी बात के साथ एग्री करेंगे इस बच्चे ने कमाल कर दिया यूसेफ ने ठीक है इसको स्टार मिलेगा इसके एग्जाम में क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है तो यूसेफ की बात के साथ वी विल डेफिनेटली एग्री तो आपको अगर आंसर लिखना होगा तो आप कैसे करोगे कि यस द the interpretation or the conclusion presented by yusef is the most appropriate or is the right one every state or every society should have some or the other form of power sharing power sharing ensures uh, the political stability of any nation power sharing ensures that there are no conflicts or violence between the people or the different sections of the society okay? hence it is also the very spirit of democracy it is a good way to ensure the stability of the political

उन्होंने बोला है कि हां हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन द स्पीकिंग ऑफ फ्रेंच इन द टाउन स्कूल और वो कह रहे हैं कि जितने भी नॉन डच हैं, वो इस तरीके से फ्लेविश टाउन में इंटीग्रेट हो पाएंगे तो एक बैन लग रहा था फ्रेंच बोलने पर उस टाउन के स्कूल्स में मतलब ऐसा बोला जा रहा था देखो अभी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट समझाती हूँ बच्चों आप लोगों को याद है कि बेल्जियम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फ्लेमिश रीजन है फ्लेमिश रीजन के अंदर मेजोरिटी किसकी है मेजरली कौन लोग रहते हैं मेजरली डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है है ना डच बोलने वाले लोग रहते हैं मेजोरिटी अब क्या हुआ है मर्चटन भी एक ऐसा ही टाउन है जहां पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं अब ना वहां के वहां पर बैन लग गया उन बच्चों पर जो फ्रेंच बोलते थे या उन लोगों पर जो फ्रेंच में बात करते थे और बोल दिया गया कि हम सब डच में बात करेंगे और यहां के मेयर ने भी इस चीज को रजामंदी अपनी दे दी कि हाँ यार सही तो है सब डच में बात करेंगे तभी तो सब आपस में बातचीत कर पाएंगे सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल पाएंगे इंटीग्रेट हो पाएंगे टाउन के साथ में तो क्या आपको लगता है कि बेल्जियम की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के साथ ये चीज अप्रोप्रिएट है सो डेफिनेटली वी विल नॉट एग्री ठीक है बच्चों यहां पर हम लिखेंगे दिस मेजर ऑफ द मेयर ऑफ मर्चेम टू बैन द फ्रेंड स्पीकिंग इन द टाउन स्कूल नियर नियर ब्रुसेल्स इज अनफेयर सो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि दिस मेजर इज टोटली अनफेयर

बिल्कुल बराबर देखा जाएगा हर लैंग्वेज कम्युनिटी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिल्कुल बराबर तोला जाएगा उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस चीज को इंश्योर करा गया था बट यहां पर तो आप किसी ग्रुप को चाहे वो माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो उस ग्रुप को आप रोक रहे हो कि वो अपनी भाषा में बात ना कर सके सो यू आर डेफिनेटली नॉट अलाइनिंग विद द बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बेल्जियम के अंदर अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे वहां पर पावर शेयर करने की कोशिश की गई थी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई थी लेकिन यहां के मेयर जो है गलत हरकते कर रहे हैं जिसकी वजह से कल को ऐसा हो सकता है कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए और लड़ाई झगड़ा चालू कर दे ठीक है सो ऑब्वियसली वर्ट शुड द मेयर डू इन दिस सिनारी मेयर को एक बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए तो इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस पीस को बनाए रखने के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बायलिंगुअल बायलिंगुअल का क्या मतलब होता है दोनों ही लैंग्वेजेस बोल सके ताकि लोग बायलिंगुअल बोथ द लैंग्वेजेस पीपल कैन स्पीक तो बायलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रमोटेड ठीक है तो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है चलिए आगे आ जाओ नेक्स्ट ओके तो यहां पे हमने लिख रखा था ऑलरेडी कोई नहीं तो ये ऑब्वियसली सिविल अनरेस्ट होगा इससे सिविल अनरेस्ट को अवॉइड करने के लिए हमें दोनों ही लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए बैनिंग फ्रेंच से सिविल अनरेस्ट होगा लोग उत्तेजित होंगे मेयर को बायलिंग्वेज सिस्टम प्रमोट करना चाहिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन था ना बच्चों हाँ चलो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज पिक आउट दी प्रोडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग इन दिस प्रोडेंशियल रीजन निकालना है पहले हमें पैसेज पढ़ना होगा फटाफट से मैं फटाफट से पढ़ूंगी ठीक है लिखन वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड द होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज एस्टैब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी इट रिस्टोर्स पार्ट टू दी ओनली प्लेस वेर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी इन देंड ऑफ द पीपल तो यहां बोला जा रहा है कि हमें महात्मा गांधी जी का जो सपना था डेमोक्रेसी को छोटे से छोटे लेवल पर ले जाने के लिए तो उस सपने को रियालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पंचायत को पावर ज्यादा देने की जरूरत है ठीक है पंचायती राज यानी कि बचो जो पंचायती सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम है इससे ही असली डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो सकती है पावर बिलोंग करती है डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के हाथ में और पंचायती राज से हम लोगों के हाथ में बिल्कुल छोटे से लेवल तक लोगों तक पावर को पहुंचा सकते हैं गिविंग पावर टू द पंचायत इज ऑल्सो वे टू रिड्यूस करप्शन इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियंसी पंचायत को पावर देना uh, से क्या होगा करप्शन भी कम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी

इन स्कीम्स के ऊपर उनका ज्यादा कंट्रोल जो है रहेगा और इससे जो मिडल मैन होते हैं जो बीच में लोग आते हैं करप्शन फैलाते हैं उन सब लोगों को एलिमिनेट हम कर सकेंगे इस वजह से पंचायती राज डेफिनेटली डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा तो यहां पे बच्चों अगर आप ये पूरा पढ़ लोगे तो इसको एक तरीके से प्रोडेंशियल रीजन क्या है यहाँ पर प्रोडेंशियल रीजन है ये वाली लाइन रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशंसी ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर लाइन टॉक्स अबाउट द प्रूडेंशियल रीजन ऑल राइट चलो आगे आ जाओ ये है हमारा छठा प्रश्न छठा प्रश्न क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रू प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए डिफरेंट आर्ग्यूमेंट आरथ इन फेवर ऑफ एन अगेंस्ट पावर शेरिंग बोला जा रहा है कि अलग अलग लोग ना बहस करते हैं कुछ लोग बोलते हैं पावर शेयर की जानी चाहिए कुछ लोग बोलते हैं पावर शेयर नहीं की जानी चाहिए यहाँ पर आइडेंटिफाई दो विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग सिलेक्ट दी आंसर यूजिंग द कोर्ट अब इनमें से बच्चों हम सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे पिक करते जाएंगे जो जो पावर शेयरिंग के फेवर में है और ठीक है और जो फेवर में नहीं है वो हमें देखना ही नहीं है उसको हम इग्नोर कर देंगे ओके चलो एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है है इट पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट जो होती कम्युनिटीज के बीच में वो रिड्यूस होती है कम होती है तो डेफिनेटली यार ये तो फेवर में ही बोल रहे हैं ना हाँ कॉन्फ्लिक्ट कम होती है लड़ाई झगड़े कम होते हैं डिक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्ररीनेस आर्बिट्ररीनेस क्या होती है बच्चों आर्बिट्ररी कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पे किसी एक व्यक्ति के मन मर्जी से चीजें हो रही हो कोई किसी से पूछ नहीं रहा है कुछ नहीं है जैसे पहले मोनार्की होती थी, थी न, तो मोनार्की में क्या होता था? रूल चलता था कि जो मन मा कर दो पड़ता ठीक तो है तो डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं फेवर में तो किसी के भी नहीं तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की डायवर्सिटी है उसको स्थान देता है पावर शेयरिंग बिल्कुल सही जैसे बेल्जियम में हुआ ना डायवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया था इंक्रीजेस इनस्टेबिलिटी एंड डिवेसिवनेस नहीं यार स्टेबिलिटी लेकर आता है इनस्टेबिलिटी नहीं प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट लोग और भी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में अगर पावर को शेयर करा जाता है बिल्कुल सही अंडरमाइन अंडर अंडर नहीं अंडर नीचे दिखाता है द यूनिटी ऑफ अ कंट्री यानी कि कंट्री की जो यूनिटी है कंट्री के अंदर जो एकता है उसको भी खत्म करता है या बेकार बना देता है तो ये भी नहीं है ठीक है तो यहां पे ए बी डी और एफ ये हमारा सही है चार स्टेटमेंट्स तो हम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहां पे डेफिनेटली पहले दिख गया ए बी डी एफ बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है क्या है इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ लेते हैं पहले और बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो पहले मार्क करते चलेंगे जो करेक्ट होगी फिर बाद में उसको चूज कर लेंगे बेल्जियम में डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इंपोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बोला जा रहा है बेल्जियम के अंदर डच स्पीकर्स अपना डोमिनेशन स्टेब्लिश करना चाहते थे फ्रेंच पे गलत गलत है ये कोई नहीं जज्बाती नहीं होना है बच्चों ज्यादा नेक्स्ट देखो श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी इट्स सॉट टू इंश्योर द डोमिनस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज सिन्हाला कम्युनिटी की डोमिनेंस को इस्टैब्लिश करना चाहती थी बिल्कुल सही है ये तो। तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर लैंग्वेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार ये भी बोला जा रहा है कि तमिल्स जो थे श्रीलंका के अंदर वो एक तरीके से क्या कर रहे थे यहां पर वो पावर शेयरिंग वो एक फेडरल अरेंजमेंट मांग रहे थे पावर शेयरिंग का वो अपने कल्चर लैंग्वेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाना चाहते थे पढ़ाई लिखाई में जॉब्स में फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिविजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि बेल्जियम के अंदर जब एक यूनिटरी से फेडरल गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया गया बेल्जियम को तो यहां पर उससे ना कंट्री का एक डिवीजन कंट्री के अंदर विभाजन नहीं आया कंट्री के अंदर कुछ नहीं हुआ तो उस डिवीजन को प्रिवेंट किया गया रोका गया ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री में कोई विभाजन नहीं आया क्योंकि कंट्री को एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया तो ये भी बिल्कुल सही है तो बी सी डी तीनों ही सही है कोई ऑप्शन है क्या बिल्कुल सही ये ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है यार बी सी एंड डी चलो नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट क्या है मैच लिस्ट वन विध लिस्ट टू फटाफट से मैच करेंगे यार जल्दी से आ जाते हैं पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट कोलिशन सेपरेशन ऑफ पार्स है ना सेपरेशन ऑफ पार्स बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स के बीच में जब पावर शेयर होती है तो उसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर होती है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट और टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होती है तो शन तो यहां पे ना मैं पहले लिख लूंगी देखो कैसे करना है वन के साथ हमने मैच करा वन के साथ था बी टू के साथ मैच करा टू के साथ था डी थ्री के साथ क्या था थ्री के साथ था ए और फोर के साथ था सी अरे यहीं पे वन के साथ बी टू के साथ डी बी डी ए सी ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना चलो फटाफट फड़ से नेक्स्ट और आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है फटाफट फड़ से आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो बोला जा रहा है पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी ऑब्वियसली इट इज गुड इट हेल्प टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिटवीन सोशल ग्रुप्स सामाजिक तबके जितने भी होते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में ये मदद करता है कॉन्फ्लिक्ट हो पावर शेयरिंग हेल्प इन दैट तो ये तो दोनों ही चीजें सही है पहला वाला मॉरल रीजन है सेकेंड वाला प्रूडेंशियल रीजन है एस ट्रू बीज फॉल्स यार ये तो दोनों ही ट्रू है बोथ एंड बी आर ट्रू क्या बात कर रहे हो बोथ एन बी आर ट्रू ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट तो इसी के साथ हमारा जो एनसीआरटी डिस्कशन है बच्चों वो होता है समाप्त और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और ऐसे और क्लासेस आते रहेंगी किस चैप्टर के एनसीआरटी सोल्यूशन आपको चाहिए मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा काफी ज्यादा इनएक्टिव रहते हो यार आप लोग अब एक बात बताओ टीचर जो है वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा कमेंट्स के थ्रू करेगा कमेंट आप करोगे नहीं तो फिर कैसे करेगा कम्युनिकेट हम यहाँ पर आपकी बच्चों पूरी मदद करने के लिए रेडी बैठे पूरी मदद करने के लिए तैयार बैठे बट इट इज बोथ वेज मैं तो पढ़ाऊंगी आप लोगों को भी तो कुछ जवाब देना पड़ेगा ना उस चीज का तो सेशन को लाइक कर दीजिए कॉमेंट से भर दीजिएगा सेशन को सारे के सारे सेशन को आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस